में उपस्थित हमारे सभी पदाधिकारी महोदय, श्रमिक संघ के कार्यकर्ताओं, बंधुओं, मैं आपका राष्ट्रीय महामंत्री मनोरंजन कुमार आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं शुरू से ये प्रार्थना भी करता हूं कि इस कोरोना जैसे महामारी में और आप और आपके पूरे परिवार स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे, और कामना करता हूं कि कोरोना के इस प्रकोप से आपके सभी परिवार सहित सभी लोग कोसों कोस दूर रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी हमारी ईश्वर से कामना है। आज जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपके साथ बैठक करनी थी, उसमें मुख्य बिंदु ये था, जैसा आप सभी लोग को इस बात की जानकारी है कि देश में कोरोना के कारण जो लॉकडाउन हुई, उससे पहले हमारा 3 बार देश के श्रम मंत्री श्रम शक्ति भवन में बैठक हुई थी। 14 सूत्री मांग का जब हम लोग पत्र जमा करने आए थे, उस समय भी कोलकाता की बैरकपुर में हमारा मीटिंग हुआ था, जिसमें हमने आपसे यह, उस मीटिंग में हमने आपके समक्ष ये रखा था कि जो मीटिंग हुई और हम 14 डिमांड आपका सरकार के समक्ष पेश करने जा रहे हैं, उस मीटिंग के उपरांत वो 14 डिमांड का मांग पत्र पूरा श्रम मंत्रालय में जमा किया गया। उसके बाद 14 डिमांड स्वीकृत होने के बाद वो स्टैंडिंग कमेटी के पास चले गए। उस समय माननीय श्रम मंत्री महोदय और श्रम मंत्रालय के डिप्टी सेक्रेटरी अनिता त्रिपाठी के साथ जो हमारी बैठक हुई, उस बैठक में हमारे मजदूरों के हितों के लिए रेलवे के द्वारा जो पूरे हिंदुस्तान में रेट पर पीस रेट फाइनल करना था, उसके लिए सरकार के द्वारा मुझे कुछ डॉक्यूमेंट डिपार्टमेंटल से रेलवे की तरफ से पुली को जिस तरह से पूरे देश में फैलाया हुआ, उसका सारा डॉक्यूमेंट, एफसीआई के वर्कर का टोटल डॉक्यूमेंट, ये सब हमारे हमको सुपुर्द करना था। हमने आरटीए के द्वारा वो सारा चीज मंगवा लिया। हमारी बैठक होनी थी, 4 बोर्ड जो सरकार श्रम संसाधन विभाग को ला रही थी श्रमिकों के लिए, जिसमें हमको 14 डिमांड स्वीकृत होना था, वो पास होने के बाद संसद सत्र के दोनों सदन में, राज्यसभा सदन और लोकसभा सदन दोनों में उसको पेश करना था, लेकिन जिस समय संसद चल रही थी उसी समय कोरोना का जो प्रकोप आया और देश में लॉकडाउन की जो स्थिति हुई, तो वहां तक हमारा काम जो है रुक गया था। अभी पूरे हिंदुस्तान में जब आज तक विश्व में कभी इस तरह की घटना नहीं हुई कि पूरा देश पूरा विश्व यथास्थिति रुक जाने का काम हुआ, देश में रेलवे रुक जाने का काम हुआ, पूरे हिंदुस्तान के सभी लोगों को घरों में रहने का अनुरोध किया गया, देश में कर्फ्यू का माहौल हो गया, उस समय इस देश में कुछ ऐसे संबंधित कर्मचारी थे जो देश हित के लिए मानव हित के लिए काम कर रहे थे, जैसे हमारे डॉक्टर, हमारे प्रशासन के लोग, और तीसरा में अगर किसी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तो भारतीय रेलवे माल गोदाम में जो लोग हमारे मजदूर काम करते हैं, उन्होंने निभाने का काम किया। जो देश में कैसे सभी गरीब लोगों तक, आम लोगों तक राशन का व्यवस्था हो, उसके पास किस तरह से भोजन की सामग्री पहुंचाया जाए, इतना बड़ा कंधों पर काम लेकर करके अपनी जान की परवाह न करते हुए, अपने परिवार के लोगों की जान की परवाह न करते हुए लोडिंग अनलोडिंग कर करके पूरे देश में चावल, गेहूं, चीनी, दाल सब पहुंचाने का काम किए, इसके लिए राष्ट्रीय महामंत्री जी ने देश के प्रधानमंत्री, देश के श्रम मंत्री, देश के रेल मंत्री को पत्र भी लिखा, और उन्होंने, हमने कहा था सरकार से कि इस विपत्ति के दिन में, आपातकालीन परिस्थिति में, पूरा देश
आपके साथ है और माल गोदाम के श्रमिक कंधे से कंधे मिलाकर के आपके आदेशों के पालन करने के लिए लगा हुआ। मुझे आशा है, नहीं पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से हमने अपने दिल के अंदर अपने जज्बा को रख करके आज विपत्ति की परिस्थिति में हमने देश के लिए काम करने का काम किया, सरकार के लिए काम करने का काम किया है, मानव जाति के लिए काम करने का काम किया है। मुझे उम्मीद है कि जब ये देश कोरोना जैसे महामारी से निकलने का काम करेगी तो सरकार भी अपने दिल में उसी जज्बा को रख करके हमारे सारे मांगों को जो लॉकडाउन होने से पहले जो लगातार मंत्रालय में बैठक होकर के 14 डिमांड सुपुर्द किया गया था, पूरे देश में मजदूरों को एक रेट फाइनल हुआ था कि कम से कम 10 से 15 रुपये प्रति बोरा उनको मिले, जिस कारण से अगर 10 रुपये बोरा भी हमें मिलता है तो हमारे मजदूर एक दिन में 400 से 500 बोरा लोड अनलोड करने का काम करते हैं, तो लगभग एक दिन में उनकी 4 से 5 हजार रुपया मजदूरी बनने का काम होगा, ताकि हमारा मजदूर और हमारा उसके परिवार सभी लोग खुशहाली की जीवन जी सके। अभी जब पूरे देश में माइग्रेंट लेबर और जहां जहां हमारे माल गोदाम के मजदूर फंसे हुए थे, जहां पे काम नहीं चल रहा था, किसी प्रकार की परिस्थिति था, उसमें मैं सरकार को धन्यवाद करना चाहूंगा कि प्रत्येक माल गोदाम के श्रमिकों को खाते में भी पैसा पहुंचाने का काम हुआ, उनके लिए भोजन सामग्री की व्यवस्था की गई। और आपके समक्ष मैं इस बात को रखना चाहता हूं कि पूरे देश में जिस तरह से सरकार ने मुझे पूरे हिंदुस्तान के माल गोदाम के श्रमिकों को अकाउंट नंबर, उनका सारा डिटेल्स, सारा कुछ मंत्रालय में सुपुर्द करने का जो उन्होंने आदेश दिया, वो लगभग हम अपने संपन्न करने के चरण में पहुंचे हुए हैं। मुझे लगता है बहुत कम ही ऐसे लोग रह गए होंगे जिनका ये प्रक्रिया नहीं हो पाया होगा, और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द ये प्रक्रिया हम लोग समाप्त करेंगे। अब हमारे सामने ये है कि लगभग मुझे जैसा लगता है कि 1 से 2 महीना के अंदर कोरोना जैसे महामारी के लिए हमारा देश तैयार हो रहा है, वैक्सीन तैयार हो रहा है, और जब मंत्रालय ये खुलेगी, मेरे पास जो लॉकडाउन होने से पहले सरकार ने जो दस्तावेज जमा करने के लिए मुझे सुपुर्द किया था, जो आदेश किए थे, वो दस्तावेज लगभग हमारे पास तैयार है। जैसे ही मंत्रालय खुलेगी हम सारा दस्तावेज लेकर के सरकार के समक्ष उसको उपस्थित करेंगे, और सरकार ने भी ये माना है कि इस विपत्ति की परिस्थिति में, लॉकडाउन की परिस्थिति में जो माल गोदाम के श्रमिकों ने इस देश में अहम भूमिका निभाने का काम किया है, मैं और हमारी सरकार जब ये स्थिति सामान्य होगी, जब बैठक आरंभ होगा, तो इनका सारा मांग डिमांड हम लोग पूरा करने का काम करेंगे, और मजदूरों के लिए जो वेतन मांग है, जो पर पीस का रेट हुआ है, वो भी फाइनलाइज करने काम करें। मैं अपने पदाधिकारियों से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि आप ये 2 महीना 1 महीना जब तक ये नॉर्मल हो जाता है, तब तक आप इसको अपने लिए एक एक दिन जो है अपना सौभाग्यशाली मांगिए, और पूरे देश में इस मुहिम को चलाने का काम करिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जो जो हमारे माल गोदाम के श्रमिक अभी जो बच गए हैं, जिनका कि किसी प्रकार का दस्तावेज कंप्लीट नहीं हुआ, उसको कंप्लीट करने का काम करें, ताकि जैसे ही देश में मीटिंग करने का, मंत्रालय में बैठक करने का आयोजन शुरू हो, हम लोग बहुत कम समय में लग करके अपना सारा दस्तावेज जमा करके अपने मजदूरों का जो काम है उसको जल्द से जल्द संपन्न करने का काम करें, और सरकार अभी जो स्थिति है उसमें उन्होंने देखा है कि माल गोदाम के श्रमिकों ने कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उन्हीं के कारण अगर रेलवे से, माल गाड़ी से अगर चावल, चीनी, तमाम ऐसा खाद्य आपूर्ति अगर पूरे देश के कोने कोने में नहीं पहुंचाया जाता तो आदमी पैसा रहते हुए भुखमरी से मर जाता। अगर मानव जाति के कल्याण के लिए, देश के हितों के लिए माल गोदाम के श्रमिकों ने जो अपना योगदान दिया इस देश में, वो भारत सरकार उसको अभिभूति कर रही है। लगातार इस लॉकडाउन में भी ईमेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, मोबाइल से कनेक्टिंग के द्वारा हम लोग लगातार श्रम मंत्रालय के पदाधिकारी के समक्ष लगातार संपर्क में रहे हैं। इस लॉकडाउन में पूरे हिंदुस्तान के रीजनल लेबर कमिश्नर, चीफ लेबर कमिश्नर, सेंट्रल लेबर कमिश्नर के साथ बैठक
हमारी हुई है, टेलीफोनिक वार्ता हुई है, सारा पेपर हमने मेल किया, व्हाट्सएप किया, वो सारा पेपर आपके पदाधिकारी काशीनाथ गायन और हमारे शांत जी के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। मेरा सिर्फ यही आपसे अनुरोध है कि जितना दिन समय लगता है सरकार को अपने ऑफिशियल काम का कंप्लीट करने में, जब बैठक शुरू हो जाएगी, मुझे लगता है कि महीना दिन के भीतर, जिस तरह से हमारी बातचीत हो रही है, महीना दिन के भीतर हम लोग श्रम शक्ति भवन में, रेल मंत्रालय में संयुक्त रूप से बैठक करने के लिए समय आ जाएगा हमारे पास में। तब हम सभी पदाधिकारी के साथ, प्रतिनिधि मंडल के साथ हम लोग मंत्रालय में जाकर बैठक करने का काम करेंगे और आपकी सारे दस्तावेज जो हम कंप्लीट कर रहे हैं वो सबको सुपुर्द करने का काम किया जाएगा। और आरटीआई के थ्रू मुझे रेलवे से जुड़ी हुई कूली गैंगमैन, इसका दस्तावेज सरकार ने डिमांड किया था श्रम मंत्रालय ने कि आप किस तरह से अन्य सेक्टर के वर्कों को इसको रेगुलाइजेशन किया गया, जिनको रेल सरकार के द्वारा सारी सुविधाएं दी गई है, उसका पेपर आप आरटीआई के थ्रू मंगवा करके मुझे सबमिट करने का काम करें। पूरे हिंदुस्तान के माल गोदाम में भी कितना रेत मिल रहा है उसका पेपर जमा करने का काम करें। पूरे हिंदुस्तान के माल गोदाम कितने, किन किन माल गोदाम में मजदूरों की क्या संख्या है, उसका सारा दस्तावेज मुझे जमा करने का काम करें। लगभग हम लोग जितना हम लोगों ने जितना लोगों को ओटीपी आया था और जितने लोग के नए सिरे से कार्ड जारी हुआ, उसका हर दिन डाटाबेस जो हम लोग मंत्रालय में श्रम शक्ति भवन में जमा करते जा रहे हैं, जो मंत्रालय खुलेगी तो हम लोग जितना और दस्तावेज उसको लेकर के प्रतिनिधि मंडल के साथ श्रम शक्ति भवन में रेल मंत्रालय, श्रम मंत्रालय के साथ द्विपक्षीय बैठक आयोजन कर करके हम सारा दस्तावेज को सुपुर्द करने का काम करेंगे। और हमारा जो काम जो अधूरा था, जो पेश होना था, उसको हम लोग लगातार लग करके उसको कंप्लीट करने का काम करें। और मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप इस समय को सदुपयोग करने का काम करें और जो समय मिला है उसमें जो भी हमारे लोग जो छूटे हैं, जिनका अभी तक कार्ड नहीं बन पाया है, या किसी प्रकार को जो उनका दस्तावेज में त्रुटि रह गई है या जो कंप्लीट नहीं हो पाया है, उसको लग करके कंप्लीट करने का काम करें। जिस दिन मंत्रालय खुल जाएगा, आज कल खुल जाए, परसों खुल जाए, 10 दिन बाद खुल जाए, हम लोग बैठक कर करके उन सभी कामों को हम लोग अंजाम तक पहुंचाने का काम करें। इतना बात कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा काशीनाथ गायन जी का, अभिषेक वर्मा जी का, हमारे सानू जी का, कि जिन्होंने इस विपरीत परिस्थिति में भी अपने सभी श्रमिकों का काम सबसे पहले कराने का काम किए हैं। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं और उम्मीद भी करता हूं कि अगर ईस्टर्न पूरे हिंदुस्तान में अगर किसी व्यक्ति का सबसे पहला काम कंप्लीट होने का काम होगा तो मुझे लगता है काशीनाथ गायन जी के द्वारा भी उनका काम सबसे पहले हम लोग संपन्न करने काम करेंगे। हमेशा आगे दिशा की ओर इन्होंने काम किया है, इसलिए इनका बहुत बहुत मेरे तरफ से धन्यवाद है। और आशा करता हूँ कि इस कोरोना जैसा महामारी में हमारे सभी श्रमिक परिवार सुरक्षित रहेंगे, ईश्वर की उन पर कृपा होगी। और विशेष अपना ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सरकार का जो गाइडलाइन है मास्क पहनना, सैनिटाइज करना, इसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आपके ऊपर पूरे हिंदुस्तान के माल गोदाम श्रमिकों का बहुत बड़ा सपना आपके साथ जुड़ा हुआ। आप एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री अरुण कुमार पासवान जी के शरीर का अंग, अगर एक भी अगर उसमें से किसी प्रकार की बीमारी या किसी प्रकार के चपेट में आते हैं तो संगठन को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखेंगे और सुरक्षा के पालन करते हुए अपने संगठन का पूरा काम को निर्वहन करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you.